रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच एक बड़ी खबर। क्या 9 मई होगी वो तारीख जब थमेगा महायुद्ध? क्या है इस तारीख का राज जिसे लेकर जताए जा रहे हैं कयास? रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को एक महीने का वक्त पूरा हो चुका है। इस बात का रूस को कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सेना के आगे यूक्रेन इतने समय तक टिक पाएगा। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। सेना का कहना है कि रूस 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है और रूसी सैनिकों से कहा गया है कि युद्ध 9 मई तक खत्म हो जाना चाहिए। इस तारीख को रूस में व्यापक रूप से नाजी जर्मनी पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यूक्रेन ने मॉस्को पर अपने हजारों नागरिकों को जबरन रूस ले जाने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनमें से कुछ को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कीव पर युद्ध से पीछे हटने का दबाव बनाया जा सके। जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन की अधिकारी ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा है कि 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूस ले जाया गया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के पश्चिमी सहयोगियों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को मानवीय सहायता देने का वादा किया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो की आपात बैठक को संबोधित करते हुए असीमित सैन्य सहायता की अपील की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड के दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से लगभग 80 किलोमीटर दूर रेज्जो में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा की ओर से बाइडेन का स्वागत किया जाएगा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस आगामी 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो 9 मई ही वो दिन है जब रूस विश्व युद्ध में नाजियों पर जीत को लेकर अपना विजय दिवस मनाता आया है और इस बार भी वो यही करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से जल्द यूक्रेन को भी इस ग्रुप में शामिल करने की मांग की है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे देशों के नेता नेटो सदस्यों के साथ आपात बैठकें भी करने वाले हैं। जेलेंस्की ने आगे कहा है कि ऐसा प्रतीत हो चुका है कि जैसे हम पश्चिमी देशों और रूस के बीच फंसे हुए हैं और अपने साझा मूल्य की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही ये युद्ध अब तक के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है जब हमें मदद मांगने पर भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते।